पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुचर्चित 3 दिवसीय चिंतन शिविर का झीलों की नगरी उदयपुर में आगाज हो गया है। देश भर से आए कांग्रेस दिग्गज चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस ने अपने इस चिंतन शिविर को नव संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत करने का संदेश दिया और कहा कि पार्टी ने अब तक हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समय आ चुका है पार्टी का कर्ज उतारने का। कांग्रेस नेताओं को ये आस है कि चिंतन शिविर से पार्टी के नेताओं में जोश आएगा। वही कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि सत्ता के लिए समाज को बांटने वाली कांग्रेस का शो शुरू हो गया है। इस चिंतन शिविर से कांग्रेस की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जानिए आगे किस भाजपा नेता ने क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शुक्रवार से उदयपुर के होटल ताजरावली में शुरू हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं और बीजेपी नेताओं ने इस चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर चुटकी लेते हुए कहा कि आम आदमी से निकटता दर्शाने के लिए ट्रेन यात्रा, फिर ताज उदयपुर में ठहर कर चिंतन की गंभीर मुद्रा, सत्ता के लिए परिवार शरणम गच्छामि का दोहरान, वातानुकूलित चिंतन में जलता और बदहाल राजस्थान, प्रशासनिक अकुशलता, आगजनी, पत्थरबाजी, दंगा कुछ नजर नहीं आने वाला। सत्ता के लिए समाज को बांटने वाली कांग्रेस का शो शुरू हो गया है। इस चिंतन से कांग्रेस की चिंता और बढ़ने वाली है। सतीश पुनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन पता नहीं चिंतन शिविर में किन बातों का चिंतन और मंथन करेगी। लेकिन राजस्थान की हकीकत यह है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दंगा, अशांति का माहौल है। किसान और युवाओं से वादा खिलाफी की गई है, उस पर उन्हें कोई चिंता नहीं है। यह तो पता नहीं कि कांग्रेस का चिंतन शिविर से क्या होगा, लेकिन राजस्थान जल रहा है और कांग्रेस चिंतन करने में व्यस्त है। पानी, बिजली संकट इत्यादि जन समस्याओं से प्रदेश जूझ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगती है। अशोक गहलोत का इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है, तो मेरा सोनिया गांधी से निवेदन है कि राजस्थान की जनता के भले के लिए अशोक गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करें। वही राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में युवराज राहुल गांधी जी ट्रेन से उदयपुर पहुंचकर बेपटरी हो चुकी कांग्रेस को पटरी पर लाने की चाहे जितनी कवायद कर ले, लेकिन अब जनता कांग्रेस की वंशवाद व तुष्टीकरण की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चिंतन शिविर राजनीतिक पर्यटन के अलावा कुछ नहीं है। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देश के महत्वपूर्ण विषयों की चिंतन की बजाय गांधी परिवार की चिंता प्रमुखता से शिविर में हावी रही। शिविर जिन अपेक्षाओं को लेकर शुरू किया गया, जिसमें देश व प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी। अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपेक्षाओं के उलट शिविर में राजस्थान में जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों पर हिंसा और करौली, जोधपुर, छाबड़ा और भीलवाड़ा जैसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री का स्वयं आगे आकर यह बयान देना कि प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के युवा, महिला, किसान, बेरोजगार की अपेक्षा पर कुठाराघात हुआ, साथ ही प्रदेश की बहन बेटियों से दुष्कर्म पर कांग्रेस के आला नेताओं के द्वारा जिक्र नहीं करना कांग्रेस की जनता के प्रति चिंता दर्शाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।